नमस्कार, UPN 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए UPN 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए। देखते रहिए UPN 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UPN 08 के साथ। संवाददाता रामकृष्ण रघुवंशी की रिपोर्ट। ओबीसी महासभा प्रदेश कार्यालय पर आज ओबीसी महासभा संगठन का विस्तार से किया गया, जिसमें 3 पदाधिकारी नियुक्त किए गए। ओबीसी रमेश कुमार कुशवा निवासी बगुलिया, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अशोकनगर। ओबीसी राधिका नामदेव कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा अशोकनगर। ओबीसी डॉक्टर हरिओम लोधी निवासी भटोली जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा अशोकनगर। पद पर नियुक्त किए जाते हैं। ओबीसी महासभा आशा करते हैं आप संगठन के अनुरूप निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। ओबीसी डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, ओबीसी दौलत प्रताप सिंह लोधी प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश सचिव नारायण सिंह प्रजापति बर्रा, जिला महामंत्री उदम सिंह कुशवा, भारत सिंह कुशवा, राजेश कुशवा, संतोष यादव आदि समस्त ओबीसी महासभा कार्यकर्ता सहित ओबीसी महासभा परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनसे उम्मीद भी करेंगे कि आप संगठन को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। ओबीसी महासभा गैर राजनीतिक संगठन है जो 2018 से लगातार संस्था हमारी काम कर रही है। पूरे भारत के 18 राज्यों में इसका काम फैल चुका है और अभी हमने मध्य प्रदेश में बड़े बड़े आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन ओबीसी महासभा ने पिछड़ा वर्ग की मांगों को लेकर किए। अभी हाल ही में 2 जनवरी को बहुत बड़ा विशाल आंदोलन मुख्यमंत्री निवास का घेराव का भोपाल में किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा कारवा बढ़ रहा है वो सब भाई लोगों की मेहनत की वजह से बढ़ रहा है। चूंकि हम लोग, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश में हमारे साथियों के साथ काम कर रहा हूँ, चूंकि हमारी जिले की बॉडी है, ये सारे लोग पूरे जिले में लगातार 3-4 सालों से हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमें आज बड़ी खुशी है और परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे संगठन को और ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाए और हमारे आदरणीय रमेश कुशवाहा जी को और शक्ति प्रदान करना कि संगठन को बहुत ऊंचाई तक लेके जाए। हमारे जो पीड़ित शोषित समाज, पिछड़ा वर्ग समाज है, उसको अधिकार मिल सके और सारी समाजों की, जो हमारी छोटी छोटी समाज है, उनको सारी समाजों को मिला के जो ओबीसी महासभा का संगठन बन रहा है, उन सारी समाजों का संगठन हमेशा आगे बढ़ता रहे और सारे लोग जात छोड़ के जमात को इकट्ठा करके हमारे हक अधिकार, जो संविधान में बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिए हैं, जो हमारा पिछड़ा वर्ग का इस देश में 74 साल से शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ ये आवाज बुलंद करने के लिए ओबीसी महासभा का गठन हुआ है। तो मैं आदरणीय रमेश कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप जिले में और अच्छी तरह से टीम को आगे विस्तार करके हमारे समाज की, पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। जय ओबीसी। जय आदरणीय रमेश कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि वो भी दो शब्द कहे। बंधु हो, हम सभी एक परिवार के भाई हैं और सभी भाई ओबीसी महासभा को उच्च श्रेणी पर ले जाना है और हम सब मिलजुल कर इस सभा के लिए, इस समाज के लिए, एक परिवार के लिए आखिरी ऊंचाई तक ले जाना है। बहुत आज ओबीसी महासभा कार्यालय पर उपस्थित सभी भाई कार्यकर्ता, हमारे आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह रजोदा जी आदरणीय।